क्योंकि अल्लाह ताला जमीन से बैठकर आपकी आसमान की बातें सुनेगा। अब जमीन पर बैठकर अगर आपकी ख्वाहिशात वो वाली है कि आसमान तक पहुंचने वाली है तो आप पहुंच सकते के लिए ना आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। चीजें कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है और अपने दिल पर हाथ रखकर कुछ कसमें खानी पड़ती है कि मैंने ये चीजें छोड़नी है और ये चीजें शुरू करनी है। अब छोड़ने वाली जो चीजें है ना वो बहुत कम है, छोड़ने वाली चीजें बहुत कम है, लेकिन कम इस बेस पर नहीं है कि चार चीजें हैं तो मैं छोड़ दूंगा। उस चीज को छोड़ने के लिए ना आपको हजार बार सोचना पड़ेगा कि इसको छोड़ दूं। अगर मैं सिर्फ आज आपको कहूँ ना कि अगर आपने आसमानों से बात करनी है ना तो आप स्टडी करना शुरू कर दें, तो जितने भी अभी कहा था कि मैंने टॉपर बनना है वो तो पहले साइड पर हट जाएंगे कि मैं टॉपर तो बनना चाहता हूँ लेकिन मैं स्टडी नहीं करना चाहता। मैं टॉपर तो बनना चाहता हूँ लेकिन मैं स्टडी नहीं करना चाहता। मैं अच्छी पर्सनालिटी का बंदा बनना चाहता हूँ ताकि मेरा नाम आए किसी लिस्ट में, लेकिन मैं मेहनत नहीं करना चाहता। अब मेहनत क्या है? मेहनत का सिला ये है कि अगर आपने मेहनत करनी है तो वो मेहनत सिर्फ आपके स्कूल तक ना हो, आप और स्कूलों में भी पढ़ाएं। कंपटीटर कितने होंगे? कंपटीशन का मतलब ये है कि आपने कितनी स्पीच के कंपटीशन लड़े हैं, आपने कितनी चीज़ें सीखी है। ज़मीन पर है इसका मतलब ये है कि आप कुछ नहीं हैं। आपने शिकवा जवाब शिकवा सुना होगा अलामा इकबाल का। शिकवा जवाब शिकवा में अलामा इकबाल कहते हैं कि मैं ज़मीन पर बैठकर आसमान से किस तरह बात करूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला जमीन से बैठकर आपकी आसमान की बातें सुनेगा। अब जमीन पर बैठकर अगर आपकी ख्वाहिशात वो वाली है कि आसमान तक पहुंचने वाली है तो आप पहुंच सकते हो, वरना आप नहीं पहुंच सकते। बहुत से टॉपर से के साथ बैठना, किताबें पढ़ना, कितने लोग किताबें पढ़ते होंगे? अखबार कौन पढ़ता है? मैं सलाम करता हूं आपको, सलाम पेश करता हूं। पास बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपके पास बहुत कुछ होता है। किस तरह? आपके पास कुछ नहीं होता तो आपके पास बहुत कुछ होता है, क्योंकि आपके पास करने के लिए उसके पास आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास सारे रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन उनके पास रास्ते खुले हुए नहीं हैं। कल एक मूवी में देख रहा था, जब रास्ते में आ रहा था एक मूवी लगी हुई थी तो मैंने उसको देखा, वो मूवी में बता रहा होता है कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर की सीट दी जाए, टापर की सीट दी जाए, टापर बना दिया जाए, क्या आप उसको फेस कर पाओगे? उसमें अगर आप देखेंगे ना तो उसको हीरो की पावर दी जाती है और उसकी उम्र होती है 15 साल। वो 15 साल में जब उसको टापर की हिम्मत दी जाती है वो हीरो नहीं बन पाता। वो कोशिश करता है बार बार, पावर उसके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसकी जो उम्र है वो उसके मुताबिक नहीं है। लेकिन अब भी आप अगर घर जाकर सिर्फ ये डिसाइड कर ले कि मेरी उम्र के मुताबिक कौन सी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज कल से जाकर ना स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दूं, ये चीज़ नामुमकिन है। कर सकते हो लेकिन नामुमकिन है। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि पहले जो आप लिस्ट लगाए ना, पेज पर कौन लिखता है आजकल? मुझे नहीं लगता कोई पेज पर लिख रहा होगा। पेज पर लिखने का फ़ायदा क्या था? पेज पर मैंने पहले शुरुआत में ये लिखा था 5th क्लास से ही कि मैंने करना क्या है। पहले तो मैंने ऊपर लिख लिया मैंने करना क्या है और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने पहले काम ये किया था कि मेरे अंदर है क्या क्वालिटी, क्वालिटी क्या है मेरे अंदर। मैंने कहा चलो मैं तो अच्छा क्रिकेटर मैन हूँ, अभी मैं क्रिकेटर मैन नहीं हूँ लेकिन उस वक्त मैं अच्छा खासा क्रिकेट खेलता था। उसके बाद मैं कुछ किताबें पढ़ता हूँ, ये मेरे अंदर क्वालिटी है, पूरी डिटेल मैंने लिख ली अपने लिए। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ें तो मेरे अंदर है, अब कौन सी चीज़ें मेरे अंदर नहीं है, मैंने पहुंचना कहाँ है। वो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने नीचे लिख दी पेज के नीचे। आज घर जाकर इस चीज़ को सिर्फ देख लें। मैं कहता हूँ इस पेज को जब अपने साथ भी रखें ना, जब आप बहुत अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे या अच्छी खासी जगह पर पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ आकर सिर्फ उस पेज को देखेंगे और मुझे याद रखेंगे कि यार उसने ये बात ठीक कही थी, मैं तो रियली उस जगह तक पहुँच गया हूँ। जब नीचे मैंने लिख दिया मैंने इस जगह तक पहुँचना है, पहले मैंने आपको आप बन जाते हो, आप सितारों तक मैंने आपको पहुंचा दिया लेकिन आपकी चीज़ आपके पास नहीं होंगी। आप जो कहते हो ना कि सुबह मुझे साइकिल की ज़रूरत है, मेरा एक लेक्चर था वसीला में, मैंने कहा कि आपके पास अगर साइकिल नहीं है तो पैदल जाओ, क्योंकि मैंने तो टॉप करना है, मैंने साइकिल तो ज़रूरी नहीं है, मेरी मोटरसाइकिल तो ज़रूरी नहीं है, मेरी गाड़ी तो ज़रूरी नहीं है, मेरे पास जहाज़ तो ज़रूरी नहीं है, मेरे पास कुछ भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ टॉप करना है, मैंने ये चीज़ें तो नहीं देखनी। मेरा बेसिक मतलब होना चाहिए कि टॉप कर लूँ। अगर आपका बेसिक मतलब है टॉप करना तो आप टॉप करें, आप इन चीज़ों को क्यों मांग रहे हैं?
क्योंकि अगर आप इन चीजों में पड़ गए ना, वसीला को देख लिया, तो आप टॉप तो नहीं कर पाओगे, ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। मेरे बच्चों, आखिर में एक छोटा सा सबक होगा हमारे पास। गवर्नमेंट इदारों में मैं ये जरूर बताता हूँ, एक फिल्म का एक छोटा सा डायलॉग था ना, उसने मेरी थोड़ी सी जिंदगी बदल दी थी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। है ना, ये पॉइंट सबके पास है? यतीम तो नहीं बैठे ना? यतीम कोई नहीं है, आप हो, वेरी गुड। इनके लिए भी खुशखबरी है। अभी खुशखबरी ये है कि देखो, अमीर के पास करने के लिए तो पहले सब कुछ होता है, गरीब के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वह सब कुछ कर सकता है। मुझे अगर कहा जाए कि आप डरते नहीं हो, कभी कभी यूनिवर्सिटी में जाकर स्पीच से डरते नहीं हो, ये गवर्नमेंट इस इदारों में आकर मैं ये बात करता हूँ, गवर्नमेंट को ये मैं बिल्कुल मोटिवेशन देता हूँ कि अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो आपके पास बहुत चीज़ें थी। आपको पहले तो मैं गरीब हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, क्या हो जाता है, वो बंदा परफेक्ट बन जाता है, माशरा उसके बहुत खिलाफ होता है। आप ये बता दें आपके दोस्त कितने, कहते हैं मैं खुद। मैंने कहा आपकी कंपनी कितने, कहते हैं मैं खुद। मैंने कहा क्यों, इतने सारे लोग आपके फैन हैं, पूरी दुनिया आपकी फैन, आप किसके फैन हो, कहते हैं मैं अपने आप का फैन था। मैंने कहा ये सपना कैसे बना, ये कहते हैं सपना उस वक्त बना था कि जब मैं कराची में किसी स्कूल में, छोटे से स्कूल में पढ़ रहा था, उस वक्त मेरा सपना बन गया था कि मैंने क्रिकेटर मैन बनना है। क्रिकेटर मैन ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, ना तो मैं जा रहा हूँ स्टेडियम, वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। दोस्तों ने कहा तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं, जाओ। दोस्त गए, उसके बाद घर वालों ने कहा आप जो है ना, मुझे याद है कि मुझे कहा गया कि आप इंजीनियरिंग करो, किसी ने कहा आप मेडिकल करो, मैंने कहा नहीं, मैंने वो करने जो मेरी अपनी चाहत है। उसके बाद सारी चीज़ें हटती गई, देखे घर हट गया, वो हो गया। अच्छा, उस्तादों ने कहा कि ये मत करो वो करो, मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं करना, क्योंकि मैंने जो सपना देखा है वो मेरे अपने दिमाग के अंदर है। जब आपके अपने दिमाग के अंदर है तो लोग आप पर हंसेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है। अभी अगर मैं कहूँ ना, मैं एक छोटी सी वो करते हैं, जब पूछ लूँ ना कि बड़े होकर क्या बनोगे, कितना अहम क्वेश्चन है। इसमें एक बच्चा उठकर आता है, कहता है मैंने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना है। मैं कहता हूँ बन सकते हो। उसने एक सपना देखा था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, और इमरान खान ने 22 साल मेहनत की है। इमरान खान के दोस्त देखो कौन है, सपोर्टर बेइंतहा आपके हो जाएंगे, लेकिन आपके दोस्त कोई नहीं होते। लेकिन आज उसको याद किया जाता है, क्योंकि उसने शुरुआत की थी बिस्मिल्लाह से। जब वो स्पीच देते हैं, आपने शुरुआत में देखा होगा, वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है। उसकी शुरुआत की स्पीच देखो, पूरी दुनिया उसको जानती है। क्यों जानती है? क्योंकि उसने मेहनत की थी, लेकिन एक चीज़ की, और वो चीज़ क्या थी जो उसने पहले डिसाइड किया था कि आपने करना, मैंने करना क्या है, और वही डिसीजन कभी फिर चेंज नहीं हुआ। सुबह पता चला मैंने आज प्राइम मिनिस्टर बनना है, कल जाकर पता चला मैंने सदर बनना है, जनरल बनना है आर्मी का, मुझे पता चला मैंने डॉक्टर बनना है। यार आपने बनना क्या है पहले मुझे ये तो बता दो। एक छोटी सी एक्टिविटी कराऊंगा, एक्टिविटी ये होगी, कुछ बच्चे आएंगे, एक दो, एक तो आप आएंगे, बहुत रेगुलरली सुन रहे हैं, आ जाए एक, यहाँ से कोई आ जाए, खुद ही आ जाए, कोई वो नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आप आ जाए, कोई और आ जाए। एक यहाँ का एक बच्चा था जिसका मैंने कहा कि यतीम है, वो आ जाए, वो बच्चा आ जाए। मैंने एक बच्ची को बुलाया था गवर्नमेंट स्कूल में, जब इस तरह का एक आया था, मतलब ये मैं सोच रहा था कि यार इसके पास शायद कपड़े नहीं है, 10-10 रुपए डालकर हम इसको दे सकते हैं कि यार ये लो अपने लिए कपड़े लो। हम इस पर हंस रहे थे जब इसने कहा इसके पास तो यूनिफॉर्म नहीं है। आपने कभी जाकर पूछा है उससे कि इसके पास यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? ये एक पॉइंट है कि आपने उससे जाकर पूछा कि उसके पास यूनिफॉर्म क्यों नहीं है। हो सकता है कि उसके पास यूनिफॉर्म इस वजह से ना हो क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हो। अगर हम 10-10 रुपए डालेंगे तो कितने हो जाएंगे, कितने स्टूडेंट हैं, चलो मुझसे 3000 ले लें, अगर 10-10 रुपए डालें बनते हैं ना, इसकी सारी चीज़ें बनती हैं। काइंडली खुदा अपने आप पर रहम करें, अपनी क्लास में जब सुबह आए ना तो खड़े होकर ना एक दूसरे को देखें, किसी को कोई चीज़ कम तो नहीं है, किसी के पास कोई मसला तो नहीं है। अपने अंदर कम्युनिकेशन डेवलप करें अपने दरमियान में, दोस्तों के दरमियान में, कि यार किसी के पास चले जाएँ, किसी के पास कोई चीज़ कम तो नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई टेंशन में हो और यहाँ आकर उसके ऊपर मैं हंसना शुरू कर दूँ। कोई आकर सुबह आया उसके पास जूते कोई एक कलर का हो कोई दूसरे कलर का हो और आप उसके ऊपर हंसना शुरू कर दो कि यार इसके पास तो जूते नहीं है, यार इसके पास तो ये चीज़ें नहीं है, तो आप क्या करें? लेकिन आप एक अच्छे दोस्त को दे